आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछने वाली हूँ, जो कि मेरे से आज तक 11 साल 12 साल हो गए हैं। लोग हर जगह पे मुझसे एक ही सवाल करते हैं जिसका मेरे पास कोई हतमी जवाब नहीं है। तो मैं चाहूँगी, जैसे कि आपको पता है, आपके सामने सब अरफा को लेके, उस वक्त क्या हुआ था अरफा को? आप घर पे थे, आपके सामने सब कुछ था, क्या रीज़न है और किस तरीके से, क्या वजह बनी? मुझे नहीं सवाल का, लोग हमेशा कहते हैं कि अरफा को हुआ क्या था, आप काइंडली क्या उस चीज़ का, आप तो आपने तो सब कुछ आपके हाथों में हुआ है, तो काइंडली उन लोगों के लिए आप ये जवाब दे दें। नहीं, मेरा ख्याल है इसको जो सीक्वेंस हुआ ना इवेंट्स का, उसको मैं कंप्लीटली समराइज कर देता हूँ। ये थर्सडे थी और आप लोग दोनों मेरे पास आए, कनक साहब और आप, और अरफा भी साथ थी। प्रॉब्लम, अरफा कहीं गिरी सीढ़ियों से और शी सेड के उसको एक सीढ़ी नज़र नहीं आई और यहाँ पे अच्छा, सर पे माथे पे चोट आई थी और स्वेलिंग भी थी। हाँ बिल्कुल ऐसा। अच्छा, उस वक्त हमने इसको ऐसे ही लिया, फिर जैसे कोई गिर जाता है होता हो गई। एक्सेप्टली द नेक्स्ट थर्सडे के बाद वही आप दोनों फैसलाबाद गए थे, यस मुझे कॉल आई, शी वॉज इन नाव ग्राउंड, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी दोस्त, वही उसने कॉल की, वो मेरा ए से नाम शुरू होता है तो आबिद अंकल, हाँ वो अरफा जो है वो बेहोश हो। अब मैं वो रन पहुंचा, अरफा उस वक्त तक होश में आ चुका। जब उसको मैंने अपने साथ गाड़ी में बिठाया तो उसकी स्पीच थोड़ी सी स्लो और स्लर्ड थी और ऐसे जैसे बंदा थोड़ा ड्रॉपजी होता, लेकिन शी वॉज अवेक कॉन्शियस। EMS ले गया मैं, कॉल की आपको, आप लोग आ गए। इन द मीन टाइम न्यूरो फिजिशियन ने उसको इवैल्यूएट किया, सीटी स्कैन कराया और कुछ भी नहीं निकला, लेकिन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थी वो जो कर देंगे हिप से मात्र। अच्छा, नेक्स्ट थर्सडे उसके बाद मैं और कनर साहब हम टीवी स्टेशन में एक रिकॉर्डिंग के लिए, वापसी पे मैं आपके घर कनर साहब को छोड़ने, तो मैं थोड़ा सा ना रिलैक्स करने के लिए ड्राइंग रूम में गिर गया और फिर अरफा को वहाँ पे फिट्स पड़े, वो एपिलेप्सी की लीजन, वो फिर से इस तरह थे कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, उसको कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये तभी कंट्रोल होते हैं अगर इंजेक्शन पास, ताकि वो विलियम और इस टाइप। फ़ौरन हमने एवेक्यूएट किया, हम CMS ले गए, वी वर सिटिंग विद हर पिछली सीट पे और उसको वो चल रही, और वहाँ एमरजेंसी में एंटर होने से पहले ये बी की धड़कन बांधे, तो वहाँ जैसे लटाया तो मैंने देखा और उसकी दिल नहीं धड़क रहा, वो फिर उसकी रेसुसिटेशन होती है, कार्डियक मसाज मैंने शुरू किया, टुक अबाउट 15 to 20 मिनट्स ये हार्ट वापस आ, लेकिन वो जो पीरियड रास्ते में गुजरा वो खून दिमाग को नहीं पहुंचा, वो दिमाग के कुछ हिस्से मुतासर, फिर शी रिमेन और वेंटिलेटर, और मैं कई 15 days ऑलमोस्ट लगभग 20 days हो ट्वेंटी गए। डेज वंस शी डाइड शी वाज इन माय केयर। वो फिर टिफिन जिस तरह पेन डैमेज हो गया होगा, रिकवरी पॉसिबल, ये अनफॉर्चुनेट। अब इसकी रीज़न क्या है, एपिलेप्सी थी, ये मुझे भी किसी को नहीं समझ आएगी इसको, क्योंकि हालांकि आमतौर पे हिस्ट्री अगर में तो आप नहीं था। या तो एपिलेप्सी की कोई फैमिली में हिस्ट्री हो या कोई इसको चोट लगी हो जिसके रिजल्ट एपिलेप्सी हुई हो, या जिस तरह पहले में सीटी स्कैन या ब्रेन की ट्यूमर होता है, किसी चीज कोई भी रीजन एपिलेप्सी जो एक्यूट एकदम से सीक्वेंस में शुरू हो गया, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ही था। नहीं बिल्कुल, वो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते थे, मैंने सोचा चलो, ऑल्दो इट वाज अ पेनफुल क्वेश्चन टू आस्क, बट बहुत सारे लोगों को इसका जवाब मिला होगा आज, और आपको क्लैरिटी के साथ आज सब पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिले जारी रहेंगे और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहेंगे, और कर्नल आबिद से मुख्तलिफ टॉपिक पे और भी बात होगी। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन से इश्यूज हैं, और आप क्या पूछना चाहेंगे कर्नल आबिद से। डॉक्टर साहब का टाइम बहुत कीमती है, इससे ज़्यादा मैं आज ले नहीं सकती, क्योंकि ये प्लान नहीं था। मैंने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया कि डॉक्टर साहब आए हैं, तो फटाफट मैं इनसे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। इंशाल्लाह ताला
आइंदा जल्दी ही मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा.